हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेट्स। सेट्स में आज हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। ओके, इक्वल सेट्स के बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। इक्वल सेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। मैं इसे आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इक्वल सेट्स मीन्स होता है दो ऐसे सेट्स जिनमें सेम एलिमेंट्स होते हैं। ओके, दो ऐसे सेट जिनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना है कि ये तीनों सेट इक्वल सेट्स है या नहीं, ये हमें देखना है, ये डिसाइड करना है और हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसमें दिया है, सेट ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x-1 इक्वल्स टू 2। ओके, हमें एक इक्वेशन दिया है। सो इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3x-1 इक्वल्स टू 2, -1 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x इक्वल्स टू 2, -1 इधर ट्रांसपोज रहेगा तो +1, दैट इज़ 3x इक्वल्स टू 2+1 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमें आंसर मिलेगा क्या, 1। ओके, दैट मीन्स सेट ए में हमें एलिमेंट मिलेगा क्या, 1। ओके, देन सेकेंड इसमें दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बट एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये एक्स ये प्राइम भी नहीं है एंड कंपोजिट भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, द नंबर इज 1। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ओके, थर्ड हमें दिया है, थर्ड सेट सी इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज़ लेस देन 2। ओके, एक्स ये नेचुरल नंबर है। ओके, एक्स इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 2, 2 से छोटा होना चाहिए। सो लेस देन 2। ओके, नेचुरल नंबर कौन सा मिलता है हमें, 1, करेक्ट है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो तीनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट हमें मिलता है, 1। सेट ए में भी एलिमेंट क्या है, 1 है, बी में भी 1 है एंड सी में भी 1 है। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है। सो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 दी सेट ए बी एंड सी आर इक्वल सेट्स। वाई इट इज इक्वल सेट, बिकॉज बिकॉज दे कंटेन सेम एलिमेंट, बिकॉज दे कंटेन सेम एलिमेंट। ओके, नेमली 1। ओके, इन तीनों सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई। ओके, गिवन
सेट्स में से कौन से सेट्स एम्प्टी सेट है एंड क्यों है, यह हमें पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन ज़ीरो। ओके, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन ज़ीरो। ओके, तो अब ऐसा कोई नंबर है क्या जो ज़ीरो से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो? ज़ीरो से पहले कौन सा नंबर आता है? माइनस वन, देन माइनस टू, माइनस थ्री। ओके, तो अगर इन नंबर्स को हम देखते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव नंबर कभी नेचुरल नंबर नहीं होते। ओके, नेगेटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं क्या? नो, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन। सो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयर इज नो नेचुरल नंबर, नो नेचुरल नंबर लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। तो सेट ए में कोई एलिमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है स्मॉलर देन ज़ीरो। ओके, लेस देन ज़ीरो, तो ज़ीरो से कम ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो हमारे ये जो सेट है, ये सेट क्या रहेगा? खाली रहेगा। सो देयरफॉर सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन में दिया है सेट सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो माइनस 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 5x इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 2, माइनस 2 इधर आ गया। सो x इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 5। ओके, x की वैल्यू हमें क्या मिली? 2 डिवाइडेड बाय 5। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर, और हमारा आंसर क्या है? 2 बाय 5। ओके, सो 2 बाय 5 रैशनल नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 2 बाय 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, 2 बाय 5 अगर नेचुरल नंबर नहीं है, सो हमारा सेट सी ये भी क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा, करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है x इज अ नेचुरल नंबर, बट अगर हमने इसे सॉल्व सिंप्लीफाई किया तो हमारे x की वैल्यू क्या आती है? 2 बाय 5। ओके, 2 बाय 5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो सेट सी खाली रहेगा। सो देयरफॉर सेट सी इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, गिवन सेट्स फाइनाइट सेट से या फिर इनफाइनाइट सेट से, ये हमें लिखना है। ओके, सो फाइनाइट सेट क्या होता है? जिनमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिनमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, करेक्ट है। पहला क्वेश्चन दिया है सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 10 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ओके, एक्स लेस देन 10 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सो सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? x ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आएगा। यहाँ पे लेस देन 10 बोला है तो सिर्फ 9 तक आएगा, करेक्ट है, 10 इसमें नहीं आएगा। ओके, अब दिस ये जो नंबर से, ये फाइनाइट नंबर से, दैट मीन्स लिमिटेड है, काउंट कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो देयरफॉर सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया है
सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई लेस देन माइनस वन वेयर वाई इज एन इंटीजर. ओके वाई लेस देन माइनस वन. सो लेस देन माइनस वन तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन. ओके यहाँ से अगर हम लेस देन माइनस वन कहा है तो माइनस वन हम इसमें नहीं लेंगे. ओके सो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स ये इन्फाइनेट इसमें बढ़ते जाएगा. ओके इसकी कोई लिमिट है क्या? नहीं है. सो देयरफोर हम यहाँ लिखेंगे सेट बी इज इनफाइनाइट सेट. ओके सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट. देन थर्ड क्वेश्चन में दिया है सी इक्वल्स टू सी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन फ्रॉम योर क्लास. ओके सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन फ्रॉम योर क्लास. ओके तो अगर हम हमारी क्लास की बात करते हैं तो हमारे क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये काउंटेबल है. हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. ओके तो अगर हम नंबर काउंट कर सकते हैं दैट मीन्स फाइनाइट हो गए. ओके काउंट कर सकते हैं दैट मीन्स क्या हो गया? फाइनाइट हो गया. अगर हम काउंट नहीं कर पाते तो दैट मीन्स क्या होगा? इनफाइनाइट. बट हमारे क्लास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हम काउंट कर सकते हैं. करेक्ट है. सो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज काउंटेबल. ओके सो देयरफोर सेट सी इज अ फाइनाइट सेट.